चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 पर, जो हाल ही में जारी किया गया है। वैश्विक गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में लगभग 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल गए हैं। ये आंकड़ा साल 2005-06 और साल 2019-20 के बीच का है, यानी कि भारत में पिछले 15 सालों में गरीबी कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक ऐतिहासिक परिवर्तन करार दिया है। MPI 2022 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीब और स्वच्छता से वंचित आबादी का हिस्सा 2015-16 में 24.4% से गिरकर 2019-21 में 11.3% पर पहुंच गया है। इसी तरह गरीबी का शिकार वो लोग जो खाना पकाने की लकड़ी, गोबर, चारकोल जैसे अन्य ठोस ईंधन पर निर्भर थे, उनकी आबादी 2015-16 में 50% से घटकर 2019-21 में 13.9% पर पहुंच गई है। हालांकि गरीबों की संख्या में भारी गिरावट के बाद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भी भारत में ही हैं। इस रिपोर्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे ऐतिहासिक परिवर्तन कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि साल 2005-06 से लेकर 19-21 के बीच भारत में करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इस मामले में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की तरफ से जारी नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत के गरीबी उन्मूलन प्रयासों की सराहना की गई है। MPI रिपोर्ट में इस कामयाबी को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास भी बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के नज़रिए से भारत का मामला अध्ययन करने लायक है। यह गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने और गरीबी में रहने वाले सभी पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की संख्या को वर्ष 2030 तक आधा करने के बारे में है। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से 22.89 करोड़ गरीबों की संख्या दुनिया भर में सर्वाधिक है। भारत के बाद 9.67 करोड़ गरीबों के साथ नाइजीरिया इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए अब हम देखते हैं। इसके अनुसार ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बावजूद 2019-21 के इन 22.89 करोड़ गरीबों को विपन्नता के दायरे से बाहर निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी कि जो गरीब बचे हुए हैं उनके लिए काम करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। 2019-21 में भारत में 9.7 करोड़ बच्चे गरीबी के चंगुल में थे, जो कि किसी भी अन्य देश में मौजूद कुल गरीबों की संख्या से भी अधिक है। इसके बावजूद बहुआयामी नीतिगत नज़रिया यह बताता है कि समेकित हस्तक्षेप से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, लेकिन हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अभी भी करीब 22.9 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी का शिकार हैं, जो निसंदेह दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है। इनमें से करीब 90% लोग ग्रामीण इलाकों में और बाकी शहरों में रहते हैं। तो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के पीछे की क्या वजह है, ये चिंता का विषय है। MPI 2022 की माने तो पोषण, आवास, ईंधन और स्वच्छता तक पहुंच की कमी की वजह से देश में गरीबी है। आधे से ज़्यादा बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोग, जिनका आंकड़ा करीब 12.5 करोड़ है, वो तीन चीज़ों से वंचित है। ये तीन चीज़ें हैं, आवास, स्वच्छता और खाना पकाने का ईंधन। हालांकि इन संकेतकों में से प्रत्येक के लिए भारत के पास इनकी कवरेज और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन, जो 8 वर्ष पहले शुरू किया गया था, उसकी मदद से अक्टूबर 2019 में भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया। इसी तरह 6 साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर भारतीय को साल 2022 तक पक्का घर देना है। अब हम देखेंगे कि कोरोना के टाइम में आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हुए उनकी क्या स्थिति रही। रिपोर्ट में इसके बारे में कहा गया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद
भारत की आबादी कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों और खाद्य एवं ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रति कमजोर बनी रही। पौष्टिक खान पान एवं ऊर्जा कीमतों से निपटने के लिए जारी समेकित नीतियों को प्राथमिकता दिए जाने की वकालत भी इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के गरीबी पर प्रभाव को पूरी तरह से नहीं आंका गया है। इसका कारण जनसंख्या और स्वास्थ्य सर्वे से संबंधित 2019-21 का 71% आंकड़े महामारी के पहले के हैं। ये कारण है कि उस टाइम पीरियड में आंकड़ों को पूरी तरीके से नहीं आंका गया है। भारत की उपलब्धियों के बावजूद जो बची हुई गरीबी है उसके पीछे के जो कारण है वो क्या है उसके बारे में भी रिपोर्ट में बात की गई है। MPI 2022 का कहना है कि गरीबों में खाना पकाने के ईंधन और आवास का अभाव सबसे आम बात है। इसके बाद पोषण और स्वच्छता है। 60% से ज़्यादा गरीबों ने पोषण तक पहुंच के अभाव को अनुभव किया है। पोषण तक पहुंच का अभाव MPI को कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में इस पैमाने पर गिरता प्रदर्शन बहुआयामी गरीबी के उच्च स्तर को जन्म देगा। इतना ही नहीं, इस इंडेक्स के अनुसार 2/3 गरीब ऐसे घर में रहते हैं जिसमें कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है। रिपोर्ट में इस स्थिति को चिंताजनक आंकड़ा बताया गया है। क्योंकि देश में गरीबी में योगदान करने वाली प्रमुख वजहों में पोषण का अभाव कहीं ज़्यादा प्रभाव रखता है, ऐसे में वो MPI मूल्य में सबसे अधिक योगदान करता है। देखा जाए तो यह अकेला कारक MPI में आवास, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन तीनों के बराबर प्रभाव रखता है। देश ने गरीबी को कम करने में जो महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है उसके पीछे स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन और आवास के अभाव में आई भारी गिरावट बड़ी वजह है। MPI 2022 का कहना है कि स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन और आवास का जो अभाव 2015-16 में था उसमें 2019-21 तक भारी गिरावट देखी गई है। यह अवधि बहुआयामी गरीबी में तेजी से आई कमी के साथ भी मेल खाती है। अब हम बात करेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कि इसमें किस आधार पर सूचकांक को तैयार किया जाता है। इस सूचकांक यानी कि MPI 2022 की बात करें तो यह आय संबंधी गरीबी के साथ साथ तीन अन्य आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत 10 संकेतक होते हैं जिनके मूल्यांकन के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। जैसे एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है, यदि वह भारित संकेतकों यानी 10 संकेतकों में से किसी भी 1/3 या अधिक से वंचित है। जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतकों से वंचित हैं उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाला माना जाता है। इस प्रकार से इसका आंकलन किया जाता है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।